देखिए, जहां तक देवेंद्र फडणवीस जी की बात है, इस पूरे मामले में बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें देखना होगा। देवेंद्र फडणवीस जी अभी भी भड़बड़ाए और बौखलाए हुए हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है क्योंकि 15 महीने में मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दिया गया, मगर 16 महीने लग गए हैं और अभी तक ये उस सरकार को नहीं गिरा पाए जहां पे ये 3 दिन की सरकार बनाए थे और इन्हें इस्तीफा देकर हटना पड़ा। एक तो हो गया ये विषय, तो ये पॉलिटिकल एंगल हो गया। अब दूसरा विषय जो आता है, उसमें जो असली विषय है कि किस प्रकार से जेलेटिन स्टिक्स एक गाड़ी में मिले और तमाम तरह का भ्रष्टाचार भी दिख रहा है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी दिख रही है। पुलिस का जो रोल दिख रहा है, उसमें मैं फिर कहना चाहती हूँ कि जो पुलिस रिफॉर्म्स की हम बात करते रहते हैं, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो सितंबर 2006 में जजमेंट आया था, उसमें ये सारी बातें उठाई गई थी कि किस प्रकार से ट्रांसफर्स होती हैं, पोस्टिंग्स होती हैं और पुलिस में रिफॉर्म्स करने के लिए पॉलिटिक्स से उसको अलग करने की जरूरत है। लेकिन अगर हम परमवीर सिंह को देखते हैं तो परमवीर सिंह ने एक्यूजेशन जो किया है वो पलटवार यानी कि रिटेलिएशन में किया है। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो क्या कर रही है, वो बेसिकली सुजाता जी, मुझे बस एक मिनट दीजिए। सुजाता जी, मुझे एक सेकंड दीजिए। मैं सॉरी मैम, मैं इंटरजेक्ट कर रही हूँ। आपने कहा कि एक सरकार को गिरा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उस बात की ऐसा लग रहा है कि खलिश है। मुझे ये बताइए, सरकार नहीं गिरा पा रहे हैं इसलिए मनसुख हिरेन की हत्या करा दी, सरकार नहीं गिरा पा रहे हैं इसीलिए जिलेटिन की छड़े थी वहां पर, ये मामला मैम कोई, ये मामला मनसुख हिरेन की हत्या से खुला है। एक आप उस हत्या को, इस पूरी साजिश को इग्नोर करके देखना चाहती है तो आपकी मंशा है, लेकिन इन सब पर भी तो बोलिए, ये हो क्या रहा था महाराष्ट्र में? मैं बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं बिल्कुल किसी हर विषय पे बोल रही हूँ और यही कह रही हूँ कि जो मनसुख हिरेन एक व्यक्ति की हत्या हुई है, ये बहुत बड़ा क्राइम है। हमारा ध्यान इससे हट जा रहा है, जेलेटिन स्टिक से गाड़ी में आई, ये बहुत बड़ा विषय है और इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मनसुख हिरेन को न्याय ना मिले। जो कॉन्स्पिरेसी हुई वो क्यों हुई, मैं बार बार ये सवाल कर रही हूँ कि जो सीसीटीवी फुटेज हमें दिखाया जा रहा है उसमें केवल सचिन बाजे को गाड़ी तक जाते हुए दिखाया जा रहा है, परंतु अगर वो सीसीटीवी फुटेज भी हो जिसमें ये दिख जाए कि गाड़ी किसने प्लांट करी, तो शायद और आसान हो जाएगा इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को करने में और इस पूरी चीज को सॉल्व करने में। और किसी को भी क्लीन चिट इस वक्त नहीं दे सकते, मगर पुलिस में भ्रष्टाचार है, इसको नहीं जुटलाया जा सकता। महाराष्ट्र की सरकार देखिए, सुजाता जी आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा प्लॉट विपक्ष ने तैयार कर दिया सिर्फ और सिर्फ सरकार गिराने के लिए। इतनी बड़ी साजिश एक सरकार गिराने के लिए कर दी गई क्या? राजीव बड़े से बड़े नेता हो, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हें कम से कम इतनी बात तो कबूल कर लेनी चाहिए। आप बार बार इस बात को, आपको बता के क्या, आपको ये बताकर भेजा गया है क्या कि आपने केवल भ्रष्टाचार में जो लिप्त है उनको ही बचाव करना है, और बचाव करने के लिए आपके पास तथ्य हो या ना, कुछ भी बात रख दीजिए। अरे, एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, उसके बाद इतने सारे विस्फोटक वहां से बरामद हुए हैं।